लंबे समय से सपा विधायक इरफान सोलंकी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, लेकिन अब इरफान सोलंकी ने खुद को यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सपा नेता लंबे समय से फरार चल रहे थे, कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मालूम हो कि बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का बयान सामने आने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि सांसद सत्यदेव पचौरी ने उनके समर्थन में बात कही थी। तो पूरा मामला भी जान लीजिए। पुलिस ने 8 नवंबर को सोलंकी और रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था। महिला ने उन पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था। एक FIR शहर में डिफेंस कॉलोनी जाजामऊ की नजीर फातिमा की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। फातिमा का आरोप है कि उसके पास पॉश डिफेंस कॉलोनी में 535 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जहां वह 1986 से रह रही थी। विधायक और उसके भाई ने उसकी लगभग 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली है। वहीं केस दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम ने सपा विधायक और उनके भाई के घर छापेमारी की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस ऑफिस के बाहर, जहां पे कई दिनों से फरार चल रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई को आखिरकार कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पे पुलिस का अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट किया गया है। यही वो जगह है पुलिस लाइन में जहां पे इरफान सोलंकी और उनके भाई को अंदर रखा गया है। मेडिकल होने के बाद कानपुर कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां पे कानपुर पुलिस द्वारा रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कानपुर पुलिस को रिमांड मिलेगी या फिर उनको सीधा जेल भेजा जाएगा। मैं बता दूं आपको, आज सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास इरफान सोलंकी और उनके भाई अपने परिवार के साथ और 7 अन्य समाजवादी पार्टी के MLAs के साथ कानपुर पुलिस ऑफिस पहुंचे, जहां पर कमिश्नर के सामने उन्होंने सरेंडर करा, जिसके बाद उनको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पे पुलिस डिप्लॉयमेंट में एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि कई तादाद में पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी पहुंचे थे, वहां कोई ऐसा सीन ना हो इसलिए पुलिस की अच्छी खासी यहां पे डिप्लॉयमेंट करी गई है। गेट को बंद कर दिया गया है और कुछ ही देर में हम यहां पे उम्मीद कर सकते हैं इरफान सोलंकी को कोर्ट यहां पे ले जाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कानपुर पुलिस को कस्टडी मिलती है इरफान सोलंकी की या फिर न्यायालय उनको सीधा जेल भेजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर। शुक्रवार सुबह ही इरफान सोलंकी ने आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने CP कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमिजिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार एक साथ है, कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी गई विधायक जी के द्वारा? जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, वो भी केसडायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रिजवान दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, ये दोनों अरेस्ट किए गए। काफी दिनों से घूम रहे थे, अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है, ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे, इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। बता दें कि हाल ही में पुलिस द्वारा दावा किया गया था कि इरफान सोलंकी को एयरपोर्ट पर देखा गया, इसके बाद पुलिस की तरफ से फर्जी आधार कार्ड को लेकर एक FIR दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि इरफान ने नकली नाम से दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा की। आधार कार्ड में उनकी तस्वीर थी लेकिन नाम अशरफ अली लिखा हुआ था। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, UP तक।